हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉन्च के ऊपर, जो लॉन्च का एक लेटेस्ट इसके अंदर आया है 220, जिसको V4 भी बोलते हैं। V4 ब्रांड मतलब ऐसा कंपनी ने लिख के दी है, जैसा आता था V3, तो ये V4 है। तो काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था करीबन एक 1.5-2 महीने से इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए, बट थोड़ा टाइम का इश्यू था, मिल नहीं पा रहा था, इसके लिए नहीं बनाया इसके ऊपर। और आज फाइनली टाइम मिला है, तो इसको अनबॉक्सिंग करते देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। और दो पीस है मेरे पास, जैसा कि देख सकते हो मेरे बैक साइड में रखा हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो इसमें से एक अनबॉक्सिंग करते देखते कैसा है इसका टैब वगैरह, क्या साइज़ वगैरह है इसकी, प्रोडक्ट कैसा है और क्या डिटेल है इसके बारे में। ये जो स्कैनर है, एक 3 महीने के आसपास हो गया शायद लॉन्च होके, 3-4 महीना। और इसको 220 का भी नाम दिया है, 2020 का V4 करके। तो फाइनली इसको देख लेते हैं कैसा है ये टैबलेट। तो जैसा कि देख सकते हैं, इसमें यहाँ पे जो पहले V3 लिख के आता था, देख सकते हो यहाँ पे V4 लिखा हुआ है, X431 Pro V4 4.0, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे जो ब्रांडिंग है। और जो दूसरा आता था उसका क्या बोलते हैं, उसमें वो लिखा रहता, यहाँ पे 3 आता था, ये यहाँ पे 4 है। तो इसको अनबॉक्सिंग कर लेते, ये थोड़ा जिस बंदे ने इसको टैपिंग किया है जरा पर सही से किया नहीं है, क्योंकि अगर ये मैं अभी निकाल देता हूँ तो ये सब निकल जाएगा इसका, ठीक है। मतलब इसके ऊपर जो टेप वगैरह जरा सही से जिस बंदे को लगाना चाहिए था उसने लगाया नहीं, पूरा मार दिया टेप वगैरह, लेकिन अगर मैं इसको टेप निकालता हूँ तो ये पूरा फट जाएगा। तो फाइनली मेरे पास एक पीस खुला हुआ है ये वाला, इसको मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ और इसको साइड में रख देता हूँ। ये जो बॉक्स है इसको साइड में रख देता हूँ, मेरे पास एक पीस दूसरा खुला हुआ है, तो ये वाला मैं खोलता हूँ और इसको साइड कर देता हूँ। तो इस बॉक्स को मैं नीचे कर देता हूँ और ये जो बॉक्स है इसका खोल डालता हूँ, दूसरा वाला जो है इसका जो बॉक्स है काफ़ी बड़ा है, 3.0 जो था उससे काफ़ी बड़ा है ये जो बॉक्स है, देख सकते हो काफ़ी हैवी है बॉक्स ये। और इसका जो ये क्या बोलते हैं इसको बड़ा, ये मेन बॉक्स भी काफ़ी बड़ा है इसका, ठीक है। ये जो डब्बा है अटैची सूटकेस या बैग जो है ये भी काफ़ी बड़ा है इसका, तो हम लोग इसको निकाल लेते बाहर, देख सकते हो ये। मेरे ख्याल से कंपनी को जितना थोड़ा छोटा करना चाहिए बैग, कंपनी दिन ब दिन उतना बढ़ा रही है, बहुत बड़ा है ये तो बैग, देख सकते हो लॉन्च। और इसका ये जो बैग है V3 से तो काफ़ी बड़ा लग रहा है, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर जो टैब है वो काफ़ी बड़ा रहेगा, कंपनी इतना बड़ा बैग दे रही है, इतना बड़ा तो पैसा थोड़ा उसके हिसाब से ज़्यादा ही हो जाता है। तो इसको खोलते हैं फटाफट। तो इसको खोल लेते, बाहर निकालते, देख सकते हो बॉक्स से काफ़ी थोड़ा अच्छी क्वालिटी की दिख रहा है V3 के मुकाबले में। और ये है इसका पूरा, ये आपका क्या कहते हैं यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह रहता है इसका जो है। पहले टैबलेट को ऑन करने के लिए छोड़ देता हूँ, टैब है इसको ऑन करने के लिए छोड़ देता हूँ, देख सकते हैं जो टैब है काफी बड़ा दिया हुआ है। अच्छा हाँ, इसलिए देख सकते हो ये जो डोंगल है इसी के अंदर इनबिल्ट है, मतलब ऐसा प्रेस करेंगे तो निकल जा रहा है ये जो डोंगल है, ऐसा प्रेस करने से निकल जा रहा है, ऐसा लॉक हो जा रहा है। और ये जो डोंगल दिया है थोड़ा जैसा कि देख सकते हो आप ट्रैक वर्धन वगैरह का था, सेम उसी टाइप का दिख रहा है, बट क्रैक वर्धन नहीं है ये, ठीक है। ओरिजिनल जैसा पैड वगैरह में आता है, पैड में भी इस टाइप का डोंगल आता है, पैटरी वगैरह में तो उस टाइप का डोंगल है। इसमें भी 9 से 18 वोल्टेज लिखा हुआ है और थोड़ा इसके हिसाब से ऐसा प्रेस हो जाता है। बाकी जो टेप की क्वालिटी है देख सकते हो, टेप काफ़ी बड़ा दे दिया है, मतलब डिस्प्ले तो वही लग रहा मेरे को ये,
लेकिन इसके ऊपर का जो कवर है वो काफी बड़ा दे दिया है और लुक देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, V3 से काफी अच्छा लग रहा है। लेकिन मेन जो इसका इश्यू है वो अपने को देखना पड़ेगा इसके अंदर, क्या बोलते जो इसका हार्डवेयर वगैरह जो है, इंटरनल मेमोरी क्या है और रैम वगैरह क्या है, क्योंकि काफ़ी लोग पूछते हैं। अभी एक ग्रुप में हम लोग जैसे बात कर रहे थे, एक बंदे ने पूछा कि भाई जैसे कोई टूल्स के बारे में, किसके अंदर इसका हार्डवेयर वगैरह के बारे में क्या, तो बहुत लोग बोलते हैं कि भाई हार्डवेयर को क्या लेना देना, लेकिन हार्डवेयर ज़रूरी रहता है। जो इसके अंदर मेमोरी है, इंटरनल मेमोरी, इसका रैम जो है, इसका जो प्रोसेसर है, एंड्रॉयड वर्जन है, 7.1 है, 5.4 है, लॉलीपॉप है, कैटलैक क्या है, ठीक है, कैटकैट है, क्या है वो देखना पड़ता है, या 9.1 है जो अभी चल रहा है, या 10.0 है, वो सब भी मायने करता है। तो टैब दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को V3 के मुकाबले में, और देख सकते हो काफ़ी बड़ा है टैब, और ये इसका ये थोड़ा लग दे दिया कंपनी ने। इसको ऑन करने के लिए छोड़ता हूँ मैं, बाकी देखते हैं अंदर और क्या है। तो इसको ऑन कर देता हूँ, देख सकते हो लॉन्च लिख के आ रहा है। ऑन हो रहा है अभी ये, और ये इसका कैटलॉग वगैरह है। ये तो अपने को जब हम लोग इसको रजिस्टर्ड वगैरह करते तो यूज होता है, संभाल के रखने का, घर वगैरह रख देने का, गैरेज पे कभी घूम घुमा जाए तो वो रहता थोड़ा, क्योंकि इसमें एक्टिवेशन नंबर वगैरह रहता है इसका। तो बाकी ऐप ये सेम दिख रहा है, जैसा कि देखते हो अभी ये टैब ऑन हो गया है, ऐप जो है सेम दिख रहा है। V4 यहाँ पे लिख के नहीं आ रहा है, प्रो लिख के आ रहा है। पहले इसका हम लोग सेटिंग ऑन कर लेते हैं, देखते हैं इसमें सेटिंग में क्या दिख रहा है, और थोड़ा इसको सेटअप करना पड़ेगा वाईफाई वगैरह ऑन करके, ये सब थोड़ा ऑन होने टाइम लग रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम ऑन हो रहा है। और ये बाकी इसके ओल्ड कनेक्टर है, जैसे आपको पता है PM बेंच वगैरह की जो ओल्ड गाड़ियाँ हैं कनेक्टर, ये सब यूज़ नहीं होते बहुत कम, जैसे फीएट वगैरह कभी कभार हमारे पास आती तभी ये यूज़ होता, नहीं तो ये जो डोंगल से ये जो कनेक्टर से ये यूज़ बिल्कुल नहीं होते, बहुत कम बार होता है, यानी साल में एक आध बार या किसी बंदे के पास आती रहेगी ज़्यादा गाड़ी ओल्ड वाली तो यूज़ होती है, नहीं तो ज़्यादा यूज़ नहीं होता। इसके अंदर जो यूज़ होता है वो 16 पिन कनेक्टर यूज़ होता है, और उसके बाद एक केबल आता है, बट वो केबल दिख नहीं रहा है, एक बार मैं देख लेता हूँ यहाँ पे है क्या, इसके अंदर है क्या देखता हूँ केबल। चार्जर वगैरह मतलब आप गाड़ी में लगा के भी चार्ज कर सकते हैं इसको। ओल्ड गाड़ी में कभी कभी क्या होता है, इसकी जरूरत पड़ती है, जिसमें जो VD केबल है उसका मेन नहीं आता, तो उसके लिए ये भी यूज होता है बैटरी के लिए, देख सकते हो की जरूरत नहीं है, ये तो इतना ज़्यादा यूज होता नहीं है। इसका एक जो 16 पिन का केबल है वो देख लेते हैं, ये बाकी इसका फ्यूज वगैरह कभी शॉर्ट वगैरह होकर उड़ जाए तो फ्यूज वगैरह यूज कर सकते, तो ये फ्यूज है। इसके अंदर जो है क्या बोलते स्टोरेज जो है देख लेता हूँ मैं, इसमें स्टोरेज नोटिफिकेशन डाटा यूज स्टोरेज 25 GB इसके अंदर फ्री बता रहा ऑलरेडी, मतलब काफ़ी स्पेस है इसके अंदर। जो V3 है उसमें स्पेस नहीं रहता, अगर हम लोग डाउनलोड कर लेते पूरी गाड़ियाँ तो हैंग करने लगता है, उसमें स्पेस नहीं रहता, एक्स्ट्रा मेमोरी वगैरह यूज़ करना पड़ता है उसके अंदर। बट कंपनी ने इसके अंदर जो है 32 GB मेरे ख्याल से मेमोरी इनबिल्ट दिया हुआ है, क्योंकि देख सकते हो काफ़ी पूरा खाली मेमोरी लगा हुआ नहीं है इसके अंदर, एक्स्ट्रा कंपनी का जो इंटरनल मेमोरी है उसमें काफ़ी स्पेस है इसके अंदर, तो इसकी स्पीड थोड़ी अच्छी रहेगी उससे, जाहिर सी बात है। अबाउट टैबलेट, बाकी इसका जो एंड्रॉयड है 7.1 है, देख सकते हो एंड्रॉयड जो वर्जन है 7.1, मॉडल नंबर X43 Pro V4.0 यहाँ पे लिख के दे रहे हैं।
क्या है इसमें, टू जी बी रैम पे इसके अंदर मेमोरी जैसा कि देख सकते हो, और 1.9 GB दिखा रहा है यहाँ पे, यानी इसमें जो इसका रैम है 2 GB रैम है और 32 GB इनबिल्ट मेमोरी है इसके अंदर। और पहले वाले में 16 GB आता था V3 में, वी 2020 में आया तो कंपनी ने थोड़ा मेमोरी बढ़ा दिया है इसका। और बाकी ये टैब ऑन करते इसका ये है, तो इंटरफेस सेम वैसा ही है इसका, जैसा कि देख सकते हो जो इसका इंटरफेस है सेम वैसा ही है। प्रो V5 लिख के आ रहा है, लेकिन इसका हार्डवेयर है वो V4 है, हो सकता है तो सॉफ्टवेयर में थोड़ा चेंजेस हो, बट अभी इसको टाइम लगेगा क्योंकि इसको लॉगिन वगैरह यूज़र आईडी पासवर्ड सब करना पड़ेगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इसमें बाकी देखिए दूसरा क्या है, ये इसका केबल है, इसके बारे में बात कर रहा था मैं, ये केबल यूज़ होता है। तो इसका जो चार्जर है, ये केबल इसके साथ यूज़ होता है, ठीक है, ये जो केबल है ज़्यादातर यही केबल यूज़ होता है। इसको हम लोग यहाँ से सब निकाल के, ये केबल यूज़ होता है ज़्यादा, केबल लगाना अच्छा रहता है। कभी सामने अगर बहुत बार ऐसा होता है कि जहाँ पे ये पिन लगता हो बीडी का शॉर्ट बीट रहेगा, ऐसा कुछ इश्यू रहेगा तो अपना केबल ख़राब होता है, ठीक है, ये जो पिन वगैरह है ये ख़राब होता है, अपना डोंगल जो है सेफ रहता है। इसलिए बेटर ऑप्शन ये रहता है कि आप डायरेक्टली डोंगल यूज़ ना करें, ठीक है, केबल इस्तेमाल करो बेहतर रहता है। तो ये इसका केबल है, सैमसंग केबल जिसको बोलते हैं, ये इसका चार्जर है। और चार्जर भी अच्छा दिया हुआ इसमें, सिर्फ ये वाला जो चार्जर थोड़ा अच्छा रहता है, देख सकते हो जो सैमसंग वगैरह का आता है सी पोर्ट टाइप वाला, ये वाला थोड़ा बेटर चार्जर है। तो हाँ, ये चार्जर थोड़ा अच्छा है, आजकल ज़्यादा यही चार्जर आता है, तो कोई दूसरा भी अगर हमारे पास नहीं है तो भी हम इसको लगा सकते हैं। केबल भी काफी मोटा दिया हुआ है, चार्जर भी थोड़ा क्वालिटी ठीक ठाक लग रहा है, ये एक नंबर दिख रहा है। ओके, तो फाइनली ये जो V4 है इसके अंदर जैसा कि आपने देखा, ये थोड़ा डिस्प्ले वगैरह इसका बड़ा है, अभी हम लोग इसको एक कार में कनेक्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर आपको दिखाता हूँ मतलब इसकी स्पीड वगैरह क्या है और कैसा है। बाकी V4 के अंदर जैसा कि आपने देखा ये टैब वगैरह, और ये सेम इसका जो बॉक्स वगैरह बड़ा कर दिया, क्योंकि ये टैब इसकी साइज़ है काफ़ी बढ़ गई है, पहला जो था इतना था, इसकी साइज़ वगैरह बढ़ गई है और थोड़ा क्वालिटी थोड़ी अच्छी दिख रही है इसमें। लेकिन मेन इशू है अभी इसमें ये मतलब देखना पड़ेगा सॉफ्टवेयर वगैरह में क्या चेंजेस है, कुछ है कि नहीं। बाकी जो इसका एप्लीकेशन है जैसा कि देख सकते हो, इसके एप्लीकेशन में हम लोग जब इसको अपडेट करने जा रहे तो यहाँ पर भी X431 Pro V5 02020 एप्स वगैरह वही है इसका, मतलब जो आता है V3 में, सिर्फ इसमें थोड़ा अपडेट, और बाकी इसको अपडेट करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा इसके अंदर, जैसा कि देख सकते हो अपडेट करने करेंगे हम लोग इसमें, तो काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर टाइम मिला तो उसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ मैं। वीडियो में इतना ही, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।